हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आरती भाटिया और हम बात कर रहे हैं सैजिस के लिए, यानी कि सैजिटेरियस के लिए ये मंथ मार्च का मंथ कैसे जाने वाला है 2019 में। मैंने अभी वीडियो अपलोड किया था जिसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप बहुत सारे प्लानेटरी कंडीशंस जो है वो डिस्कस मत कीजिए। प्लानेटरी कंडीशंस इसलिए डिस्कस कर रही हूँ, अदरवाइज तो वैसे बहुत ही कम करती हूँ, बट इस बार इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस मंथ में प्लैनेट्स बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। मरकरी का रेट्रो जाना और फिर मार्गी होना 2-3 वीक्स के बीच में ही, ये बहुत ज्यादा चेंज है। फिर उसके बाद वर्गो का, मतलब यानी कि वर्गो कह रही हूँ, वीनस का, वीनस भी चेंज होगा, मार्स भी इस मंथ में चेंज होगा और सबसे बड़े प्लैनेट्स राहु और केतु, बड़े ही यानी कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रखने वाले प्लैनेट्स राहु और केतु भी 7 मार्च को चेंज हो रहे हैं। सैटर्न सिर्फ वहीं पर रहेगा जहां पर है धनु राशि में, जो कि ऑलरेडी आपकी सैजिटेरियस लगन में ही बैठे हैं। तो इतने सारे प्लैनेट सूर्य मिड ऑफ द मंथ में चेंज होंगे, तो जुपिटर भी चेंज हो रहे हैं, वो भी आपके लगन में आएंगे। अब इतने सारे प्लैनेटरी, इतनी सारी एनर्जीज चेंज हो रही हैं, इतनी जल्दी जल्दी हो रही है, विद इन द स्पैन ऑफ 30 डेज हो रही है, तो इसको मेंशन करना फ्रेंड्स बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट्स हैं, ये बहुत पावरफुल ट्रांजिट हैं और इनका इम्पैक्ट भी बहुत जबरदस्त रहने वाला है। हो सकता है कि कुछ वर्ल्डली चेंजेस भी आए, यानी कि पूरे यूनिवर्स में भी कुछ चेंजेस आए। टेम्परेचर में चेंजेस तो आजकल हम फील कर ही रहे हैं, पर अदरवाइज भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो हिल सकती हैं। अब सैजिस के लिए अगर हम बात करें तो आपके लगन में ही सैटर्न है, अब केतु भी उसमें आ जाएंगे 7th को, और सामने से आपके पार्टनर के स्थान पर राहु है, तो कुछ लीगल इश्यूज या सेपरेशन विद पार्टनर, पार्टनरशिप्स में बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं उनको अपने पार्टनर के साथ बहुत ही ध्यान से बात करनी चाहिए, क्योंकि कोई छोटी सी बात भी बहुत अग्रेशन ले सकती है, लीगल इश्यूज तक आप पहुंच सकते हैं, सेपरेशन भी हो सकती है, जिसमें ऐसे नहीं है कि किसी का लॉस या किसी का गेन, पर सेपरेशन में कहीं ना कहीं उतना 100% बराबर नहीं होता, और कुछ चीजें हैं जिनको आप कर ही नहीं सकते हो, जिनकी आप डिविजन, तो इस वजह से भी आपको लॉस की फीलिंग आ सकती है। अगर आप पार्टनर के साथ यानी कि अपने स्पाउस के साथ एग्रेशन में करते हैं बात, तो भी लीगल इश्यूज तक बात हो सकती है। सेपरेशन एक जगह से दूसरी जगह तक अगर आपकी जॉब लग जाती है तो भी आपकी वाइफ के साथ या आपके हस्बैंड के साथ सेपरेशन हो सकती है, टेम्परेरी चाहे हो, पर वो हो सकती है 1.5 साल के लिए। अगर हम देखें तो मंगल जो है वो आपका बच्चों के स्थान पर है, वैसे भी उसमें भी एग्रेशन है, वो 4th दृष्टि से स्ट्रेस को देख रहा है, तो स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। और मूवमेंट बहुत ज्यादा है प्लैनेटरी जो है, सूर्य हाफ ऑफ द मिडल ऑफ द मंथ तो एक्वेरियस में रहेंगे, फिर 14th को ये पाइसेस में आ जाएंगे जो कि केंद्र में आ जाएंगे, तब आपको काफी रिलीफ महसूस होगा। मरकरी केंद्र से निकलकर फिर वापस एक्वेरियस में चले जाएंगे, तब तक वीनस जो है वो 2nd हाउस में है, तो आपको लग्जरीज लेंगे, तो ओवरऑल लग्जरीज तो मिल रही हैं, ओवरऑल आप चेंज चाह रहे हो, हो सकता है कि आप यात्रा करो, हो सकता है कि आप अपनी जगह को बदल दो, चेंज कर लो, आपकी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, चेंज बहुत ज्यादा है इस मंथ में, और आप दोबारा दोबारा एक ही बात को सोच सकते हैं, दोबारा दोबारा एक ही बात को कर सकते हैं। और पुनर्वसु नक्षत्र में जाने की वजह से जो राहु है आपके पुराने फ्रेंड पुराने नोन टूज भी आपकी लाइफ में ला सकता है। अच्छा, अगर आपकी सेपरेशन ऑलरेडी हुई हुई है तो वो आपको हो सकता है नजदीक ले आए, और अगर आप नजदीक है तो हो सकता है आपको सेपरेट कर दे, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। आपके दिल की इच्छाएं भी बुरी होंगी, लेकिन आपको बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है फ्रेंड्स, मनी को लेकर इतने बड़े बड़े इश्यूज नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि पूरे मंथ आपको मनी मिलती रहेगी, मनी जो है वो आती जाती रहेगी, ज्यादा प्रॉब्लम रिलेशनशिप्स में है, ज्यादा प्रॉब्लम जो है इमोशनल उसमें हैसल्स में है, आपके पुराने फ्रेंड्स पुराने नोन टूज आपकी हेल्प करेंगे। किंग ऑफ कप्स है तो आपके दिल की इच्छाएं तो पूरी होंगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा आगे बढ़ के जो है वो काम नहीं करना है या कोई रिस्की वेंचर नहीं करना है, स्पेशली एग्रेशन में अपने पार्टनर्स के साथ बात नहीं करनी है, अपने स्पाउस के साथ नहीं करनी है, वरना स्टैंड स्टिल सिचुएशन हो जाएगी। मनी अगर कोई प्रॉपर्टी में अटकी हुई है तो वो मिल सकती है, उसमें आपको बहुत ध्यान से अगर आप बात करते हैं तो अटकी हुई मनी मिल जाएगी। कुछ स्लीपलेस नाइट्स भी हैं फ्रेंड्स आपके लिए, कोई मेल भी आपको डोमिनेट कर सकता है, देखिए स्लीपलेस नाइट्स भी हैं, कुछ टेंशन कुछ स्ट्रेस तो आपको लगी रहेगी। अच्छा देखो, राहु
सामने से देख रहा है और केतु और शनि इकट्ठे बैठे हुए हैं। हालांकि वहां पर आ जाएगा जुपिटर, लेकिन वो सिर पर तो कहीं ना कहीं लोड करेगा ना, वो स्ट्रेस तो करेगा ही ना आपको। आपको बहुत बंधा हुआ भी महसूस हो सकता है और ये भी हो सकता है कि आने से पहले ही आपकी जॉब चेंज की बात हो जाए। एसी फ्रेंड्स, लेकिन अगर जॉब चेंज होता है तो वो बेटर के लिए होगा। आप कुछ जगह भी परिवर्तन कर सकते हो। अगर आप लेडीज हो तो बहुत ज्यादा अर्न भी कर सकते हो, वरना आपको किसी लेडी से बहुत फायदा भी हो सकता है। स्टार कहते हैं कि आपके गाइडिंग एंजल्स आपको गाइड करेंगे, तो जिस हिसाब से वो आपको गाइड करेंगे तो आप उसमें आगे मूव कर सकते हैं। आपकी मदर आपकी या मदरली लेडी आपके लिए गाइडिंग एंजल रहेगी। सिक्स ऑफ हैंड्स है फ्रेंड्स, यू विल प्रूव टू द वर्ल्ड दैट यू हैव गॉट कैलिबर। इसलिए बहुत चिंता की बात नहीं है, यू आर एक्चुअली गोइंग टू प्रूव टू द वर्ल्ड कि आप में कैलिबर है। तो ये तो एक मिक्स्ड, मैंने आपको सैजिस के लिए बताया, ये एक मिक्स्ड मंथ है। बहुत ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंज हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव चेंज भी मैं नहीं कह रही हूं, पर रिलेशनशिप में आपको बहुत ज्यादा अलगाव लग सकता है। स्पेशली पार्टनरशिप में भी आपको, काम में कैरियर में भी पार्टनरशिप में आपको अलगाव लग सकता है। जुपिटर लास्ट ऑफ द मंथ में खर्चे के स्थान से उठकर आपके लग्न में आएगा और सब चीजों को कंट्रोल कर लेगा। तब आप अगर पढ़ाई में अगर पीछे जा रहे हैं तो आपकी पढ़ाई ठीक हो जाएगी, आपका सेल्फ ठीक होगा, आपके पार्टनरशिप में भी बेटरमेंट हो जाएगी और आपके लक में भी बढ़ावा होगा। अगर आपने कोई यात्रा पर जाना है तो वो यात्रा भी आपके लिए फेवरेबल हो जाएगी। तो इस तरह से जो है आपका ये मंथ जाने वाला है। आपको बार बार दोबारा एक ही बात सोचने का मौका मिल सकता है। तो जो चेंजेस, जो गलतियां पहले करी है उनमें चेंजेस लाइए ताकि आप जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ अपनी लाइफ को लेकर जाएं। फ्रेंड्स, ये तो था सैजिस के लिए मार्च 2019 कैसा रहेगा। आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। सब्सक्राइब का रेड बटन नीचे ही है और मेरे बाकी के वीडियोस को भी देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।